मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी किचन बम्होत्रास किचन, जम्मू की देसी किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं नई रेसिपी दम आलू। अब दम आलू के लिए हमें सबसे पहले 10 से 11 छोटे मीडियम साइज के आलू चाहिए और एक प्रेशर कुकर जिसमें हम आलूओं को बॉईल किया जाएगा। अब आलूओं को प्रेशर कुकर में एक एक करके डाल, हमने इन आलूओं को उबालने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। इनको मीडियम पकाना है ताकि ये टूटे ना। हेलो दोस्तों, देखिए हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। थोड़ा टाइम सेविंग के लिए हमने पहले से इनको छील के रख लिया है, ठीक है। और एक कढ़ाई में हम क्या लेंगे, तेल, एक बिकर में हम तेल ले रहे हैं, इसको हम इसमें हम फ्राई करेंगे। बाद में थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, आपके पास टूथपिक होगी तो टूथपिक, हमने थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हमने इनको अच्छी तरह से प्रिक करना है, क्योंकि जब फ्राई होंगे तो हमारे आलू अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, इनको प्रिक कर दिया सभी साइड से, ऐसे ही हमने सभी पे प्रिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमने तेल को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमारा तेल पक चुका है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। एक एक करके सभी को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, बट हैंडल विद केयर। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमने इनको सबसे मीडियम पे पकाना है। देखिए जब तक दोस्तों ये फ्राई होते हैं अच्छी तरह से गोल्डन में, तब तक हम बाकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं अच्छे ढंग से और इनमें कलर गोल्डन कलर आ चुके हैं और ये फ्लोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये अंदर तक पक चुके हैं। इन बिटवीन जो हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे, 3 बड़े कटे हुए प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं बड़े कटे हुए, और ये हमने अपना ही जो इसमें मेन सामग्री थी डालने के लिए वो बनाया है। इसमें हमने सौंफ पाउडर लिया हुआ है, इलायची पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया हुआ है, बड़ी इलायची डाली है, लौंग डाला है, दालचीनी पाउडर डाला हुआ है, और थोड़े से हमने 6 से 7 कूट के हमने बादाम को रख लिया है और 3 हरी मिर्ची ले ली है। अब देखिए ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकालने के लिए रेडी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा आ गया, और हम इनको एक एक करके सारे के सारे बिकर में निकाल देते हैं। देखिए हमारे दम आलू, और हमने इसमें क्या किया है, प्याज डाल दिया है, और हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं करने, थोड़े से करने, गोल्डन ब्राउन तक भुनेंगे। देखिए हमारे प्याज भुन चुके हैं, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल, जैसा आप चाहते हो। थोड़ी सी मिर्ची, अब इसमें लाल मिर्ची डाल रहे हैं कलर के लिए थोड़ी सी, अब ग्रीन मिर्ची, डन।
जो हमारे पास था मसाला, घर का पिसा हुआ खूब सारा मसाला था। अब हम इसको अच्छे ढंग से मिलाएंगे और दो एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला हुआ तैयार हो चुका है। अब हमने गैस को बंद कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखो दोस्तों, हमने जो मसाला ठंडा होने के लिए रखा था, अब हमने इसको मिक्सर में डाल दिया है। अब हम इसमें जा रहे हैं, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। हमारी ग्रेवी ग्राइंड होने के बाद तैयार है। अब हमने एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल ले लिया, क्योंकि पहले तेल डाला हुआ था। अब हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं। देखिए, हम इस ग्रेवी को दो से तीन मिनट तक पकाएंगे, तब ताकि इसका तेल थोड़ा सा बाहर आ जाए। हमारी ग्रेवी देखो तेल छोड़ चुकी है थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें थोड़ा सा दही को मिक्स करेंगे। तीन चम्मच दही डालेंगे। एक, दो। अब हमने इसको क्या किया, मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। अब हमने इसमें बादाम की जो पीस के हमने पीस बना ली थी 10 से 12 बादामों की, वो डालेंगे। इससे थोड़ा सा इसका रिच फ्लेवर आ जाएगा हमारी डिश में। देखिए हमारे जो मिक्सचर है ग्रेवी में अच्छा टेक्सचर है। अब हम इसमें एक एक करके सारे के सारे दाम आलू डाल दे जाएंगे और दो से तीन मिनट के लिए इनको मिक्स करेंगे, भूनेंगे, ताकि जो फ्लेवर है इसका अच्छे ढंग से मिक्स हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इससे हमारे दम आलू टूटे ना। बस अब एक से दो मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने इसमें एक गिलास पानी का प्रयोग किया है, क्योंकि हमने इनको चावल के साथ खाना है। आप चाहे तो जैसे हमने पहले बनाए थे ग्रेवी के साथ भी खा सकते हो, चपाती के साथ वो बढ़िया रहेंगे। बस इनको हमने थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है ताकि हमारा दम आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ग्रेवी। देखिए हमारे दम आलू पक चुके हैं अच्छे ढंग से। अब हम इसको एक बाउल में, सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। वन बाय वन करके ऐसे सारे निकाल देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के लिए अमूल फ्रेश क्रीम का यूज कर रहे हैं और गार्निशिंग के लिए हमारे पास धनिया है। अब हम इसमें क्रीम डालने जा रहे हैं। और जो धनिया था उसके रफली तोड़ लेंगे हाथों से गार्निशिंग के लिए। और ये हमारा दम आलू
तैयार।